स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खलड़ी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सिटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी में। आपको बता दें कि MIM पार्टी के दो पदाधिकारी जो कल्याण लोकसभा से जो है अपक्ष में जो है उम्मीदवारी का फॉर्म भरे थे, और MIM पार्टी पर आज अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। क्या फैसला लिया गया है, जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं MIM पार्टी के सैफ पठान, उनसे बात करेंगे। सैफ भाई, क्या पूरा मामला है, आपके पार्टी के दो पदाधिकारियों ने जो है कल्याण लोकसभा से नामांकन किया है, क्या बातचीत आप लोगों में हुई है, क्या डिसीजन लिया गया है? देखिए कि हम लोगों को भी काफ़ी शॉकिंग है कि हमको सोशल मीडिया के थ्रू किसी ने यानी हमको व्हाट्सएप पे भेजा कि आप देखिए आपके पार्टी के एक कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फाइल किया है एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जब हमने ACI की साइट पे जा करके उनको ऑथेंटिक देखना चाहा, तो हमको पता चला कि वहाँ पर जावेद सिद्दीकी और नफीस अंसारी दोनों ने एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म फिल किया है। उसके बाद हमने उनसे बात की, हमने उनको बताया कि आप लोगों ने ऐसा हमको इन्फॉर्म करे बिना, आप एक पार्टी हमारे पास जिम्मेदार थे, आपने ऐसा कैसा फॉर्म फिल किया है, आपने क्यों ऐसा किया, हमारी उनसे बात हुई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका। उसके बाद हम लोगों ने कैसा तत्काल मीटिंग बुलाया। आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी सभी जो टीम्स के मेम्बर्स है, जो पोस्ट होल्डर्स है, हर पोस्ट होल्डर्स यहाँ मौजूद है हमारे नगर से, वो कहीं बाहर फंक्शन में है बम्बई में, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग करके एक डिसीजन लिया है कि जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरा है वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि किसी भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, यहाँ पर एक भी मेंबर्स को उन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया, और उन लोगों ने जाकर के इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी से फॉर्म भरा है, तो उसमें हमारा कोई साथ नहीं है, MIM पार्टी का कोई रोल नहीं, कोई समर्थन नहीं। इसके लिए हमने उनका टर्मिनेशन लेटर, देखिए आप देख सकते हैं कि हमने टर्मिनेशन लेटर है ये नफीस अंसारी जो हमारे पार्टी से अभी हाल ही में जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए थे, ये उनका टर्मिनेशन लेटर है, उन्होंने फॉर्म फिल कराया आज लोकसभा के लिए। और ये हमारे जो जावेद सिद्दीकी है, जो हमारे ट्रेजरर हुआ करते थे पार्टी के, ये उनका टर्मिनेशन लेटर है, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया एक फैसले के बाद। अब हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ये इलेक्शन में हमारी तरफ से हमारे कोई भी मेंबर की तरफ से उनको कोई सपोर्ट है। MIM पार्टी के ये पदाधिकारी थे, तो फॉर्म भरने के पहले आप लोगों से कुछ बातचीत वगैरह नहीं हुई थी? नहीं, उन्होंने फॉर्म भरा तो आखिर क्यों भरा, क्या वजह रही होगी? देखिए, मुझे आज सुबह में 12 बजे किसी का कॉल आया था और मुझे पता चला था कि जावेद सिद्दीकी जो है वो फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे, तो मैंने उनको 12 बजे कॉल करके मना किया था कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करिएगा, ऐसा कोई भी आने काम मत करिएगा। तब उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस से बोला था कि सैफ भाई, विदाउट आपको बताए या विदाउट आप लोग से कंसर्न करें मैं कैसा फॉर्म भर कर सकता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। लेकिन वो मुझे काफ़ी शौक लगा जब मुझे 8 बजे जब मुझे किसी और नफीस अंसारी के लिए फ़ोन आया कि उन्होंने फॉर्म भरा है, और मैंने खुद ECI की साइट पे जा करके पोर्टल पे जा करके चेक करा तो वहाँ जावेद सिद्दीकी का भी फॉर्म दिखा, तो मुझे खुद अफसोस हुआ। मैंने उनको यही कहा मैंने फ़ोन करके कि आपने फॉर्म भरा कैसे, जब आपसे मेरी बात हो गई थी तो आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी करी कैसे, तो ये हमको कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ये हमको बताए बिना किया गया। इसके लिए तो हमारी तरफ से उनको समर्थन नहीं, हमारी तरफ से उनका कोई स्टैंड नहीं है। कल को कोई ये ना समझे कि वो MIM से बिलोंग करते थे तो उन्होंने फॉर्म भरा, तो मैं आपको ये आपके माध्यम से पूरी आवाम को ये क्लियर कर दूं कि MIM का या हमारी टीम का, मुमरा कलवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी मुमरा कलवा की टीम का उनके साथ कोई समर्थन नहीं है और हम उनके साथ नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से फॉर्म भरा है, इस वजह से हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। वजह क्या रही होगी, उन्होंने जो है अपक्ष में फॉर्म भरा, आखिर क्या वजह रही होगी ऐसी, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी मिली कहीं से? जी, फॉर्म भरने की वजह मुझे उसकी जानकारी, जब आपसे ये बातचीत हुई कि हम नहीं भरेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने भरा, ये बात तो अभी वही बता सकते हैं उनकी क्या मानसिकता है इसके पीछे, वो क्यों फॉर्म भर रहे करके। हमने यहाँ पर काफ़ी क्लियर स्टैंड रखा था, हमने यहाँ पर नहीं, हमारी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी क्लियर स्टैंड रखा है कि हम एंटी BJP यानी हमारे लोगों को कन्विंस करेंगे कि इस बार BJP को हटना चाहिए, मोदी सरकार को हटना चाहिए, नहीं तो जो भी कानून हमारे खिलाफ बनाए जा रहे उसको रोकने के लिए सरकार को हटाना ज़रूरी है, तो हमने वो बनाया। अब उसके बावजूद भी अगर कोई फॉर्म भरता है किसी को फ़ायदा पहुँचाना तो उससे हमारा कोई रोल नहीं, और उनकी मानसिकता उनका डिसीजन है, हम उस पर नहीं बोल सकते। तो आपने सुना कि MIM पार्टी के जो पदाधिकारी थे नफीस अंसारी और जावेद सिद्दीकी, इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ़
जाकर, जैसे कि साहब पठान ने बताया कि जो है अपक्ष में जो है इन लोगों ने फॉर्म भरा कल्याण लोकसभा से, जिसके बाद MIM पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को उसकी जानकारी लगी और इन दोनों लोगों को MIM पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।